कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो माई नेम इज़ यशोधरा सिंह जो वॉल एंड वेलकम टू द लेक्चर दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका सेकेंड जून दैट इज संडे के दिन एग्ज़ाम हुआ था अब फॉर द फॉर द ग्रेजुएट लेवल पोस्ट तो उसका क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से पेपर जो है क्वेश्चन पेपर बनाया गया है आई लाइक द लेवल ऑल्सो ऑफ़ द एग्जामिनेशन एग्जाम का लेवल भी अच्छा था सो so हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारे जो जी के क्वेश्चन हैं ठीक है शुरू करें चलो अकॉर्डिंग टू द सेंसेज ऑफ 2011, थाउजेंड इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी हेट द हाईस्ट सेक्स रेशो देखो अब इसमें यूनियन टेरेटरी पूछी गई है तो यूनियन टेरेटरी कौन सी है दैट इज पुडुचेरी राइट सो पुडुचेरी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली वन जीरो थ्री सेवन फीमेल्स आउट ऑफ वन थाउजेंड मेल्स है ना और अगर यहीं पर ही क्वेश्चन होता स्टेट का सो दैट इज केरला राइट right? और वो ऐसे भी नंबर वन ही है कोई आप लगा लो आपके वन uh, क्या कहते हैं वन जीरो एट फाइव के करीब कुछ है तो केरला एज अ स्टेट इन टोटलिटी केरला इज़ टॉप और यूनियन टेरेटरी की बात करें सो so इट इज़ पुडुचेरी वहीं पर ही अगर हम बात करें ना वन ऑफ द लोवेस्ट यूटीज़ में तो वो दमन इंद्यू है ठीक है छः सौ कुछ करके छः सौ अट्ठारह करके कुछ इनका सेक्स रेशो है ठीक है दोस्तों चलो द हरप्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन इनटीन ट्वेंटी किसके द्वारा किया गया था साहनी मोर्मर व्हीलर अलेग्जेंडर कनिंगम या विश्वजीत पैरुल so, याद रखना द आंसर इज दया साहनी ठीक है वहीं पे अगर मोहेंजोदारो का पूछा जाएगा सो इट इज आर डी बैनर्जी ठीक है हरप्पा सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर रावी एंड मोहिंजो दारो ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस ठीक है चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट अप द फर्स्ट डेली न्यूज पेपर ऑफ़ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कश्मीर टाइम्स रणबीर ग्रेटर कश्मीर या कश्मीर ऑब्जरवर तो ये थी नाइनटीन ट्वेंटी फोर की द रनबीर विच वॉज द फर्स्ट डेली न्यूज पेपर डेली न्यूज़ पेपर ठीक है ओके नेक्स्ट अप किशन गंगा इज एन इम्पॉर्टेंट किशन गंगा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिवर्स चिनाब चंद्र जेहलम भागा सो हमको पता है चंद्र और भागा मिलकर चिनाब बनाते हैं और किशन गंगा जिसको नीलम नदी भी कहा जाता है दैट इज जेहलम ठीक है नेक्स्ट अप विच क्लॉज

ऑफ यूनाइटेड नेशन इसको मैंने अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करवाया हुआ है ठीक है so, सो कौन सा है इसमें से क्या उसका फुल फॉर्म है Is it environmental, economic, or social cooperation? Economic and social council, education, collision for social order, ethical committee on social co uh, cooperation. So it is economic and social council. Okay, one of the six prime organs of the United Nations. Theke? Who were the key members of the Indian team that won the gold medal in the women's 25 pistol shooting team event in Asian Games 2023? So it may say hai? So it is Manu. भाकर रिधम सांगवान एंड ईशा सिंह ये तीनों के तीनों और अगर बात करें ये एशियन गेम 2023 का वेन्यू इट इज फ्यू यिनहू ठीक है नेक्स्ट आप कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेडल्स वन बाय द एथलीट्स एट द एशियन गेम्स 2023 ईशा सिंह पीछे देखा सो विमेन ट्वेंटी फाइव मीटर पिस्टल बिल्कुल सही है किरण बलियान विमेन पुट बिल्कुल सही अनु रानी विमेन जैवलिन थ्रो बिल्कुल सही कार्तिक कुमार मेन्स ट्वेंटी फाइव रैपिड पिस्टल दिस इज़ रॉन्ग सो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग वन टू थ्री ऑप्शन आर करेक्ट कार्तिक कुमार मैं देख रही थी तो ये कोई कमेडियन है ठीक है और अगर हम मेन्स ट्वेंटी फाइव रैपिड पिस्टल की बात करें तो वो है विजय वीर

विच माउंटेन पीक हैज़ अर्न द निगमेन निक नेम किलर माउंटेन सो इसको किल्लर माउंटेन इसलिए कहते हैं बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फेटल फेटिलटीज़ मतलब बहुत लोग मरते हैं राइट बाइल स्केलिंग और क्लाइंबिंग दिस माउंटेन पीक सो इज़ इट नंगा पर्दन नंगा परबत कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट और के टू सो इट इज़ नंगा पर्बत ठीक है सुनंगा पर्वत का निक नेम क्या है इट इज़ किलर माउंटेन नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जैद क्रॉप इज और आर करेक्ट जैद क्रॉप आर समर सीजन क्रॉप ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जुलाई येस दिस इज करेक्ट ये बेसिकली ना इंटरमीडिएट क्रॉप सीजन होता है राबी और खारीफ के बीच का सो दिस इज राइट दिस रिक्वायर वार्म वेदर ऑब्वियसली मार्च और जुलाई के बीच में है तो वार्म वेदर तो चाहिए होगा ना वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए तो ये भी सही है मेज़ इज़ अ जैद क्रॉप तो बिल्कुल गलत है मेज़ जैद क्रॉप नहीं है जैद क्रॉप्स बेसिकली हो गए आपके वाटर मेलन राइट आपका मस्क मेलन राइट आपका क्यूकम्बर ये सब चीज़ें हो गई ठीक है मेज जो है ना मेज़ बेसिकली आपका ख़ारीफ क्रॉप है ठीक है सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन एंड टू सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आइसो आइसो हाइट्स आर इमेजिनरी लाइट्स ऑन अ वेदर मैप दैट कनेक्ट्स इक्वल एरियाज ऑफ इक्वल वॉट रेनफॉल विंड स्पीड ह्यूमिडिटी या विंड विंड स्पीड ओके रिपीटेड सो आइसो हाइट्स होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए ठीक है दैट मीन्स रेनफॉल ठीक है वहीं अगर हम बात करें ना विंड स्पीड की तो इक्वल विंड स्पीड के लिए इको टैक होते हैं ठीक है वहीं पे अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ईसो ह्यूम होते हैं ठीक है प्रेशर की बात करें सो इट इज आइसो बार्स इक्वल टेम्परेचर की बात करेंगे तो आइसो थर्म्स ठीक है ये इमेजनरी लाइंस होती है राइट सो आइसोहाइट्स रेनफॉल के लिए है ठीक है चलो थर्टी एट एन एच फोर्टी फोर इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया विद द लेंथ ऑफ डैश किलोमीटर्स रनिंग फ्रॉम डैश टू डैश तो नॉर्थ से इट इज़ श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी श्रीनगर से कन्याकुमारी अब देखो यहाँ पर अगर आपको इतना भी पता होता तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है राइट right? सो so, अगर आपको इतना भी पता होता कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44 फोर कहाँ से कहाँ है नॉर्थ फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी सो so, ए इज़ राइट right. आपको ये इसको भी पता होने की ज़रूरत नहीं थी ठीक है चलो नेक्स्ट आप चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है तो ये है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश सो so, का आ गया जी फोर तो फोर देखेंगे तो दो ही है मतलब बाकी के दो बाहर अहिल्या देवी अहिल्या बाई होलकर हमको पता है ये मराठा थी एंड शी बिलोंग टू आपका इंदौर मध्य प्रदेश सो बी का आ गया जी वन ठीक है तो ये ऑप्शन आपका आ चुका है बट हम बाकी भी देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हमको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है दैट इज़ अहमदाबाद गुजरात सो सी इज़ थ्री ठीक है एंड दादा दा, दादा क्या है बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल दैट इज़ योर नागपुर महाराष्ट्र सो so सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ठीक है नेक्स्ट आप विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन पुल फैक्टर देखो पहली बार तो पता होना चाहिए पुल फैक्टर होता क्या है पुल फैक्टर होता है कोई भी ऐसा कॉज या फैक्टर्स जो किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करे टू माइग्रेट ठीक है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर या फिर फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड एज पुल फैक्टर खींचना ठीक है अब आप मुझे खुद ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बताओ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए क्या आप जाएंगे तो जाएंगे ऑफ कोर्स जाएंगे हायर इनकम मिलेगी तो आप जाएंगे बिल्कुल जाएंगे हायर लिविंग स्टैंडर्ड होगी तो आप जाएंगे बिल्कुल जाएंगे पॉलिटिकल ऑपरेशन से आप क्यों जाएंगे सो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग सो हमको नॉट अ कॉमन पुल फैक्टर पूछा है तो डी आंसर आपका सही हो गया हाँ पॉलिटिकल फ्रीडम हो सकता है लेकिन पॉलिटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता राइट सो डी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर ठीक है चलो अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर लेंथ सो डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर लेंथ में आपने बताना है ठीक है जी ओके okay. डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा ओके सो सबसे बड़ी कौन सी होगी गंगा हमको पता है सबसे लॉन्गेस्ट है तो गंगा आपको सामने ही चल गया पता आंसर बट चलो कोई बात नहीं फिर हमारा एक साउथ गंगा भी आ गया दक्षिण गंगा गोदावरी देन नर्मदा देन तापी तापी बहुत छोटी है कुछ छः सात सौ सेवन ट्वेंटी फोर कुछ करके है ये राइट और गंगा इज़ वेरी लॉन्ग टू थाउजेंड वन फाइव हंड्रेड एंड टेन की लेंथ है इसकी तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ओके व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन बिहार कन्वरताल बिपोरबेल सिंचल या कंजिया अच्छा हुआ क्या ना ये बिहार वाले चाहते थे कि ये कन्वरताल को भी एज अ वेटलैंड घोषित किया जाए बिकॉज इट इज़ फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स राइट एंड फेमस फॉर दिस और ये ना ही सिर्फ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बिहार का लेकिन ये एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, वेरी इंपॉर्टेंटली ऑक्सबो लेक है ठीक है फ्रेश वाटर नहीं है फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है लार्जेस्ट ठीक है और ये माइग्रेटरी बर्ड्स का पैराडाइज कहते हैं इसको ठीक है और अगर आपको पूछा जाए क्योंकि ऑक्सबो लेक की बात हो रही है मतलब यहाँ पे मियांडरिंग ऑफ द रिवर्स की बात होगी सो so कौन से रिवर की मियाडरिंग से बनता है दैट इज गंदक ठीक है नेक्स्ट आप फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली डिफाइन डिफाइन स्टैगफ्लेशन सो स्टैगफ्लेशन क्या होता है जब कभी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट एट अ राइज हो मतलब इकोनॉमी स्लो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे स्टैगफ्लेशन राइट सो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ नो नो इकोनॉमिक ग्रोथ नो इकोनॉमिक रिसेशन नो स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन क्योंकि हाई इन्फ्लेशन क्यों क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगा है ना right? so, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा राइट सो इट इज योर स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन क्योंकि चीज़ें कम होगा लोग ज़्यादा है मांगने वाले तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हाई होगा ठीक है नेक्स्ट आप इन विच इंडियन स्टेट इज द मकरा मकरावीला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड तमिलनाडु केरला कर्नाटका या आंध्र प्रदेश तो याद रखिएगा इट इज योर केरला सो इसका आंसर क्या है इसका आंसर आएगा केरला नेक्स्ट इज पोपीर इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट इज इट केरला कर्नाटका आंध्रा या अरुणाचल प्रदेश तो ये है अरुणाचल प्रदेश ठीक है

असेंबली इन इंडिया बिल्कुल गलत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो हमारी कैबिनेट मिशन से बनी थी ना 1946 में तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस हो चुके थे 9 no दिसंबर 1946 में तो पहली मीटिंग हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तो बी तो गलत हो गया ठीक है एबॉलिश टेम्पर ऑफ इंडिया ऑब्वियसली क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर्स हो गई थी एंड इसके बाद क्या हुआ था दो सेपरेट डोमिनियंस बने थे इंडिया एंड द न्यू नेशन पाकिस्तान सो बी ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट बिकॉज हमको फॉल्स पूछा है ठीक है जी नेक्स्ट आप फोर्टी सेवन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी सिक्स फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ठीक है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स देखो नेशनल इमरजेंसी घाई की होगी तो थ्री फिफ्टी टू मार्क करके आए हो गए इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए हो गए लेकिन पूछा गया है इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट सो दैट इज आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट एंड थ्री फिफ्टी नाइन ठीक है जी नेक्स्ट अपर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान मिशन टू हैव अ सेफ लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द लैंडर ऑन द मून सर्वेस ऑब्वियसली उसी के लिए तो किया था और जब हमने ये लैंडिंग किया है ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट उसको हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे है ना तो पहला तो सही है नॉट पूछा है ठीक है टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर लोटरिंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून ऑब्वियसली हमारा रोवर जो चल रहा था दैट इज दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू शो केस इन सी टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द कम्पोजिशन ऑफ द मून सरफेस ऑब्वियसली हम मून को स्टडी तो करने के लिए गए हैं और इन सी टू है तभी तो लैंडर वहाँ पे लैंड किया है हमने हमारा ठीक है टू डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट न्यू इंटर प्लानिटरी टेक्नोलॉजीज न्यू इंटर प्लानिटरी टेक्नोलॉजीज के लिए हम चंद्रयान पर क्यों जाएंगे सो दिस इज रॉन्ग या फिर बोला जाए तो ये वाला सही है क्योंकि गलत ही ऑप्शन हमको पूछा गया है सो फोर्टी थ्री का डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट आप विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिजल्ट इन द विंटर स्मॉक सो विंटर स्मॉक में क्या होता है पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो है विंटर स्मॉक क्रिएट हो जाता है सो so, इसका आंसर है आपके टेम्परेचर इन्वर्जन जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो है वो बाहर नहीं निकल पाते ट्रैप हो जाते हैं ग्राउंड लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे एक थिक लेयर ऑफ स्मॉक क्रिएट हो जाती है जिसको हम विंटर स्मोक कहते हैं ठीक है जी नेक्स्ट आप विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डुगोंग्स जो मरीन एनिमल्स हैं एंड दे आर द ओनली हरबी बोरस मरीन एनिमल्स एंड द लार्जेस्ट ऑल्सो ठीक है वॉम कोस्टल वाटर्स इन द इंडियन पेसिफिक ओशन आर होम टू डुगोंग्स बिल्कुल सही डुगोंग्स तो मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा दी है ठीक है डुगोंग्स का मेजरमेंट टिपिकली टू पॉइंट टू से लेकर थ्री पॉइंट फोर के बीच में होता है तो हाँ मोर yes, right, और लेस ये दैट इज राइट और चार सौ के जी के अराउंड इनका वेट होता है तो सेकेंड इज राइट मेल्स जो हैं वो प्रोजेस करते हैं टस्क लाइक इन सिजर्स बट बोथ मेन एंड फीमेल अडल्ट फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट सेट्स टू पैल स्कार्स ऑन द बैग्स ऑफन रिजल्टिंग फ्राम मेटिंग अटैम्प ऑफ फाइटिंग्स तो येस ये होता ही है क्योंकि प्रोटेक्ट करने के टाइम पे मेटिंग के टाइम पे लड़ाई के टाइम पे दे डेवलप स्कार्स ठीक है सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट ठीक है नेक्स्ट आप फिफ्टी सेकेंड फिफ्टी सेकेंड पूछते हैं जी वो हमको जस्ट अ सेकेंड ओके कंसिडर द फॉलोइंग पेर टाइप्स ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एस जी एस टी जो स्टेट वाला होता है एप्लीकेबल टू इंट्रा स्टेट तो इज इट राइट तो येस इट इज राइट ठीक है सी जी एस टी बाय द स्टेट ऑन द गुड्स और सर्विसेज परचेस्ड सोल्ड विद इन द स्टेट सो इज़ इट राइट सो फिफ्टी टू का क्या आंसर आएगा बताओ मुझे सो फिफ्टी टू का हो गया आपका सेकेंड इज रॉन्ग ठीक है आई जी एस टी विच इज इंटर स्टेट तो येस दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट यू टी जी एस टी तो विद इन द यू टीज तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग क्योंकि तो ये तो सेंटर का क्या है गुड एंड सर्विस टैक्स है तो वन थ्री एंड फोर इज करेक्ट ठीक है सो फिफ्टी टू का डी आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी द फाउंडर हिमसेल्फ दैट इज योर ललित आदित्य मुक्ता पिता ठीक है नोन एज द समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर ठीक है सो कारकोटा डायनेस्टी के ना इंपॉर्टेंट रूलर्स में आप ये पढ़ते हो ललित आदित्य के बारे में सो ही इज ऑल्सो नोन एज समुद्र ऑफ कश्मीर ललित आदित्य ठीक है नेक्स्ट आप फिफ्टी फोर विच डिस्ट्रिक्ट इज द मार्तंड सन टेम्पल अनंतनाग कुलगाम रामबन किश्तवाड़ इट इज अनंतनाग ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेराइटी ऑफ वॉलट इज इट रक्त से कारपू सो आपको पता होना चाहिए रक्त से कारपू बहुत फेमस था क्योंकि इसको रिसेंटली जो है रिसेंटली तो क्या बट जी आई टैग मिला लद्दाख का पहला जी आई टैग था दिस इज़ फॉर एप्रिकॉट राइट सो इट इज़ ए ऑप्शन ठीक है बाकी है कागजी भी है सुलेमान भी है बुर्जील भी है ये नहीं है वॉट इज शेयरिंग इन केस ऑफ शीप्स तो जब भी शीप का वूल निकाला जाता है ना रिमूव करते हैं ना वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप दैट इज कॉल्ड अ शेयरिंग ठीक है युशमर्ग इज अ हिल स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोन एज मेडो ऑफ जीजस वैली ऑफ मिल्क वैली इन द क्राउन ऑफ कश्मीर ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या वैली ऑफ फ्लावर्स इट इज मेडो ऑफ जीजस ठीक है नेक्स्ट अप

ठीक है फ्रॉम द कैलाश रेंज ठीक है सो कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेट करती है कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट करती है और दैट इज द सियोजदार ठीक है सो सियोजदार इज बेसिकली आपका दैट एक्चुअल प्लेस जहाँ से ओरिजिनेट करती है विच इज द मिडल हिमालयाज ठीक है जी सो दिस इज दैट नेक्स्ट आप विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द शातूश शॉल ठीक है कौन सा वाला आपने करेक्ट है वो बताना है राइट सो इज इट मेन सोर्स ऑफ कैल गोट नहीं हमको पता है तिबितंटलोप है चांगपा गोट नो दैट इज़ द चिरू गोट है जो इसका ओरिजिनेट करती है एन ए अकबरी रिकॉर्ड्स द कश्मीर एज द एविड कलेक्टर ऑफ शातूश शॉल जी नहीं पश्मीना शॉल था प्रोडक्शन सेल एंड एक्जेशन ऑफ शाह हैज़ बीन इल्लीगल सिंस नाइनटीन सेवेंटी वन येस इट कम्स अंडर द साइट तो इसका पोजेशन सेल हर चीज इल्लीगल है एंड दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस सिंस नाइनटीन सेवेंटी नाइन सो दिस इज राइट नेक्स्ट आप पीर खो टेम्पल इज द मुस्लिम श्राइन सूफी श्राइन शिव श्राइन या कृष्ण श्राइन सो इट इज़ द शिव टेम्पल ठीक है लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जी एस इज अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट थाउजेंड नाइनटीन हाउ मैनीस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फोर सिक्स थर्टी सिक्स वन 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 सेवन सो फोर इज द राइट आंसर ठीक है सो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किए हैं जो आपका पेपर हुआ था हाल ही में उनके क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है फॉर द ग्रेजुएट लेवल पोस्ट ठीक है जो दो जून को कवर हुआ था सो थैंक यू नाइस नाइसली आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय टेक केयर